अनु को बोलते हैं बाय बाय, अनु बोला अरे मैं इस गली में खुद हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए आज फिर से चल रहे हैं वृंदावन धाम। जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था कि हर महीने आप सभी को दर्शन कराऊंगी वृंदावन धाम के, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जो हम जा रहे हैं वृंदावन धाम। तो आप भी चलिए मेरे साथ। अनु इधर देखा, अनु को बोलते हैं बाय बाय, अनु हो रहा है गुस्सा क्योंकि मैं इसे लेके नहीं जा रही हूँ। अभी 18 तारीख को चलेंगे। तो अभी हम गिरवा रहे हैं गाड़ी में तेल, पीछे तेल पानी, तेल हवा पानी गाड़ी में गिरवा रहे हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं वृंदावन धाम। चलिए वृंदावन धाम पहुंचने से पहले यहाँ पे हमने लिया है छोटा सा ब्रेक, रेस्ट हो लेते हैं और हल्का फुल्का खाने पीने के लिए भी ले लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ से हो जाती है वृंदावन में एंट्री। बज तो रहे जब तक तू बज सकता है। लो यमुना मैया की जय। तो सबसे पहले दर्शन होते हैं वृंदावन में घुसते हैं यमुना मैया के। ले भी लेंगे। आपको जरूरी बात बता दूं, अगर आप वृंदावन धाम आए हैं तो सबसे पहले आप रूम ले लीजिए रुकने के लिए, अगर आपको वृंदावन में रुकना है रात को। क्योंकि अगर आप लेट हो गए 10 से 11 बज गए तो इनके जो रूम के चार्ज हैं वो 1000-1200 रुपये बढ़ ही जाते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को पार्किंग में करिए, रूम की टेंशन से फ्री हो जाइए, रूम मिल गया है आपको, आप जब तक मर्जी घूमिए वृंदावन में रात। चलिए गाड़ी हमने लगा दी थी पार्किंग में, आ गए हैं गायत्री के दर्शन के लिए। भीड़ आप देख ही रहे हैं, होली की वजह से काफी ज्यादा भीड़ है वृंदावन धाम में। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे तुलसी माला और फूल माला बिहारी जी के लिए, और लेंगे भोग प्रसाद, पेड़ा, लड्डू, जो भी आप लेना चाहते हैं। और उसके बाद बढ़ेंगे आगे, और जहाँ पे हम फूल माला ले रहे हैं प्रसाद दे रहे हैं, ये भैया हमारे जूता चप्पल रखवा लेते हैं। तो जूता चप्पल आप इनके पास ही रख जाएं, कोई टेंशन नहीं है, और आके यहीं से ले लें और हाथ धो के फिर फूल माला प्रसाद लें और आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। सबसे पहले जोड़ेंगे चौखट पे हाथ यानी मत्था टेकेंगे और आगे बढ़ेंगे। और भीड़ की वजह से थोड़ा सा मैं लेट ही आई हूँ, क्योंकि शाम के समय आते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। 7 बजे के बाद आप दर्शन करेंगे तो भीड़ थोड़ी सी कम मिलेगी। आगे जाओ तुम्हारा, मैं ना मिलो तो चलो। Yeah.
ना चाहते हुए भी बहुत सारी धक्का मुक्की हमें खानी पड़ गई। उसके बाद आए हम बाहर, यहाँ पे कुछ फोटो खिंचाए, आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी क्लिप ली हर जगह पे। और आज के दर्शन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये थे हमारे होली से पहले बिहारी जी के दर्शन। जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था, हर महीने आपको दर्शन जरूर कराऊंगा। आपको किसी और वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। और अभी मैं वृंदावन धाम में ही हूँ, 2 से 3 जगह के दर्शन अभी बाकी हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि होली से पहले बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं इस चैनल पर वृंदावन धाम की। तो इससे बाद में हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा।